सो हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है इक्कू, आप देख रहे हैं मिस्टर इक्कू ब्लॉग्स, और मैं बिलोंग करता हूँ पलामू के एक छोटे से गांव पाटन से। तो गाइज, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि आज का प्लान जो बना है हम लोग को, हम लोग जा रहे हैं उरमांझी जू, यानी भगवान बिरसा जूलॉजिकल पार्क, वहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं गाइज। और आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 से भी ऊपर जानवर, पक्षी वगैरह आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है गाइस, तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं वीडियो के आगे। सो गाइस, अभी हम लोग हैं उरमांझी में, और उरमांझी जू के अंदर जा रहे हैं। तो हम लोग इसके बाहर है अभी, ये उरमांझी जू, इसके अंदर जाते हैं और बाहर का नजारा कुछ इस टाइप का है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं उरमांझी जू कैसा है। फर्स्ट टाइम हम भी आए हैं तो सारा ब्लॉगिंग शूट करेंगे। पहले चलते हैं अंदर, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। वीडियो में बने रहिए, मजा आने वाला है। ये है आपका भगवान बिरसा जैविक उद्यान पार्क, ये देखिए, यानी उरमांझी जू, जहाँ पे आपको उधर हिंदी में और उधर इंग्लिश में लोगो दिया गया है। और ये है इसके, ये प्रवेश द्वार। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आप लोगों को, वेलकम। ये है अंदर का दृश्य, इधर है पार्किंग आपका। अभी तो आए हैं और देखिए इधर पार्किंग का आपको पैसा लगेगा 20 रुपया। और देखिए इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, ये आपको सारा दिखाया गया है, ये देखिए। और ये आपका स्वागत है यहाँ पे। तो जो हम स्पेशल देखने आए हैं यहाँ पे, वो देखने आए हैं शेर चीता, क्योंकि हम आज तक देखे नहीं है, तो वही हम देखेंगे। फिलहाल वहाँ पर प्रवेश द्वार है यानी एंट्री गेट, वहाँ देखते हैं अगर फी वगैरह लगता है, कुछ चार्ज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक सोमवार को उद्यान बंद रहता है, यानी अगर आप मंडे को आते हैं यहाँ पे उरमांझी जू, यानी बिरसा, भगवान बिरसा जूलॉजिकल पार्क में आते हैं, तो आपका बंद हो जाएगा, मतलब नहीं खुला रहता उस दिन। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब आप लोग आएँ तो मंडे ना होना चाहिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टिकट घर, एंड यहाँ पर टिकट है, काउंटर देखते हैं कितना का टिकट मिलता है। इस प्रकार का कुछ टिकट है जो कि हमको 40 रुपये पे करना पड़ा एक टिकट का, तो हम लोग दो हैं और यहाँ से आपका एंट्री गेट है। चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। A few moments later. और सर अभी हम सुने यहाँ पे कि बड़े बड़े जानवर भी होते हैं, है अंदर? हाँ, है जानवर। चलिए ठीक है। सर गाइस, सर काफी अच्छे हैं, और सर से बात हुआ मेरा, और हम लोग अभी आ चुके हैं अंदर। और देखिए यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है, और देखिए सब लोग पहचानते हैं हम लोग। और एक और बात है, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे फूल वगैरह मत तोड़िएगा, क्योंकि अपने प्रकृति को बनाए रखिए। ये देखिए आपको सबसे पहले मिलता है चिड़िया, और यहाँ पे नाम है चिड़िया का नाम कोकाटील, और ये चिड़िया है इसके अंदर। ये देखिए, वो देखो कुछ कुछ चिड़िया वहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे है लोग, कहाँ पे है सर? और ऊपर सब बैठा हुआ है, सब ऊपर बैठा हुआ है। ये देखिए गाइस, यहाँ से देखेगा आप लोगों को पूरा, यहाँ पे बर्ड्स वगैरह, छोटे छोटे बर्ड्स इसके अंदर। और ये देखिए गाइस, ये पैरोट, ग्रे पैरोट नहीं, रेड पैरोट है ये। ये देख लीजिए आप, हम आगे बोल रहे थे, दिख नहीं रहा लेकिन पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा नहीं, लेकिन देखिए इसका जो चहचहाट है, काफी मजा आ रहा है इसको सुनने में। ये देखिए लाल लोरी, कुछ इस टाइप का ये है, और ये इसके अंदर है। तो चलिए अभी तो बहुत सारा चीज़ घूमना है, देखिए ना कौन कौन सा ये है, देखिए वाह मजा आ गया। ये सब देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है इन लोग, और देखिए मोर, मोर वगैरह भी है इसमें, वाह, ब्राह्मणी बतख, ये सब भी है। देखिए गाइस यहाँ पे एक चीज़ आपको मेंशन किया गया है, जो जो इसके अंदर पक्षी है वो सभी का नाम लिखा गया है। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हम लोग आ गए हैं इस साइड, और उस साइड देखिए आपको सारे पंछी मिल रहे हैं, लेकिन उस साइड कुछ जानवर का भी नाम दिया गया है। तो चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं, एमू। ये लोग है सिल्वर तीतर, यहाँ पर नाम दिया गया है सिल्वर। और ये देखिए कैमरा में जल्दी फोकस करो, देखिए गाइस उधर आपका आउल लिखा हुआ है, उल्लू उल्लू। तो चलिए अभी हम चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं उल्लू।
भाई काफी मजा आ रहा है क्योंकि ज्यादा बहुत दूर दूर तक ये फैला हुआ है, ये जो है अभी उरमांझी जू काफी दूर तक फैला हुआ है। और आपको बता दें कि यहाँ पे सारे चीज का नाम लिखा गया है जिससे इंसान को जानने में ये आसानी हो रहा है कि हम कौन सा पक्षी को कौन सा चीज को हम देख रहे हैं। ये देखिए, ये है आपका उल्लू, आउल, गुगू, किधर है ये देखिए गाइस, वहाँ पे है, ये देखिए, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ये देख लीजिए। अब आगे दिखाते हैं आप लोगों को, यह बटेर, बटेर नाम का पक्षी जो कि ये देखिए यहाँ पे इन लोग हैं, ये देखिए आपको नीचे मिलेंगे। जल्दी वहां से हटो, जल्दी वहां से हटो। यो, ये कौन सा पक्षी है? इस पक्षी का नाम देखिए गाइस ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल है और ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। देखो इधर, हेलो, इधर देख ले एक बार। नहीं देख, ये चीज है आपका कोयल जो सारे लोग कहीं से भी देख सकते हैं, अपने घर पे भी देखे होंगे ये चीज को। ये कोयल एशियन कोयल है लेकिन गाइज। और ये है कॉमन हिल मैना यानी पहाड़ी मैना। और ये लोग देखिए डाल पे बैठे हुए हैं इन लोग। ये है सुनहरा तीतर और उसके अंदर सुनहरा तीतर भी है, ये देखिए कालीज तीतर, और ये देखिए इसके अंदर आपका कालीज तीतर दिखाई देगा। ये देखिए काइट यानी चील जो कि ऊपर बैठे हुए हैं ये लोग। और ये आपका घास उल्लू है, ग्रास उल्लू, ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है देखने में, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये वाइट वाला जो है ये ग्रास उल्लू है। ये जो जाली में हम लोग हैं, जो जाली की वजह से यहाँ पे पूरा दिख नहीं रहा है लेकिन कैमरा में नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत अच्छा सा चीज़ है। ये अभी खा रही है, इसका नाम है भूरा हेरोन, ग्रे हेरोन, ये देखिए। एक और वहाँ पर क्या चीज़ तो खा रहा है, मछली खा रहा है वे भाई, मछली भी मिल रहा है भाई, देख रहे हो। एक और गया वहाँ पर बैठ गया। बारिश हो रही है गाइज और थोड़ा सा हमको बुरा वाला फील होता है जब बारिश होती है और ब्लॉगिंग करना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। सो हेलो गाइज, आपने बाघ को अखबार में देखा होगा, फिल्म में देखा होगा, टीवी सीरियल में देखे होंगे, लेकिन आज अभी हम आपको रियल में बाघ दिखाने वाले हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं रियल में बाघ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये देखिए गाइस, ओ भाई, लाइफ में फर्स्ट टाइम हम बाघ को देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको लिखा है कि जानवरों के साथ छेड़छाड़ ना करें, तो इन लोगों के साथ छेड़छाड़ करना भी बहुत गलत है, दुर्घटना घटी जी। ये देखिए गाइस, ये है आपका इंडियन टाइगर जो कि सामने है, ये देख लीजिए, आपको देखिए उसका आवाज सुन रहे हैं गाइस। ये है आपका इंडियन टाइगर जो कि चल रहा है, सो चल रहा है, चल रहा है, सो चल रहा है, ये देखिए गुर्रा रहा है। उधर भी एक बाघ है जिसको अभी दिखाया आपको, और वो इसी को देख रहा है तब से। हमने से बाघ देखकर हमको बहुत डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर दो तीन हादसा हो चुके हैं और मांझी जो है आपका, क्योंकि इसके बारे में सारा कुछ चीज़ लिखा हुआ है। ये क्या, ये देखिए इसका, तो आप लोग देख सकते हो भाई एक बाघ यहाँ पर भी है और वहाँ पर ना एक वाइट बाघ है, तो हम लोग आप लोगों को भाई वाइट बाघ भी दिखाते हैं, वाइट टाइगर यानी सफेद बाघ, इसको यहाँ से देख सकते हैं। अपना एक एरिया फिक्स कर लिया है, उसके हिसाब से ये वॉकिंग कर रहा है, वॉकिंग। इसका आंख देखिए गाइस, डर लग जा रहा है देखकर। सो गाइस, बाघ को देखकर हमको भी दहाड़ने का मन कर रहा है, लेकिन उसके सामने हम बच्चे हैं, बच्चे हैं अभी,
यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग टूरिस्ट लोग आ रहे हैं जो कि देखने, और स्पेशल बाग हम खुद देखने आए थे, दूसरा करो क्या ही बोले, खुद हम स्पेशल बाग देखने आए यहाँ पे। और देखिए अभी देखें, अभी तक तीन बाग देख चुके हैं हम, ये तो चार हुआ, तीन बाग देख चुके हैं हम। और देखिए अभी आगे और चीज़ भी है। ओ भाई ये देखो सब्सक्राइबर मेरा, सब्सक्राइबर कौन सा नाम, कहाँ से तुम लोगों? कमता। वो सो गाइज हम लोग अभी एक और बाग देखने आए हैं, मतलब यहाँ पे टोटल अभी तक हम चार बाग देख चुके हैं। और वो जो बाग है वो ये देखिए क्या कर रहा है, वो काफी देख सकते हो भाई, काफी लोग इधर आए हुए देख रहे हैं, समझ रहे हो? इनको मालूम भाई। अभी हम आप लोग को एक दो नहीं बल्कि चार बाग दिखा चुके हैं, लेकिन अब बारी है तेंदुआ की, उस साइड तेंदुआ है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। सारा ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। जा इस साइड में तेंदुआ है, आप देखते हैं इस तेंदुआ को। वो देखिए, ये देखिए, ये आपका सोया हुआ है तेंदुआ, ये देखिए आपको यहाँ पे सोया हुआ है जिसका भाई दिख रहे हो कोना में एकदम। हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि लाइफ में इतने सारे जानवर को हम एक बार देखेंगे, हम लोग देख लेंगे, बट अभी तो मतलब देख ही रहे हैं। और बाकी आप लोग देख सकते हैं भाई, एक आईफोन यहाँ पर है और दूसरा आईफोन यहाँ पर है, और एक यहाँ पे डीएसएलआर लगा है। सो भाई हम लोग को पता भी नहीं था, एग्जैक्ट सरप्राइज मिल गया, हमारे दोस्त मिल चुके हैं यहाँ से, काफी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर अनजान टाइप से लग रहा था, हम और सैयद सिर्फ, बाकी कोई नहीं था, लेकिन इन लोग भी मतलब अपने भाई लोग भी आ चुके हैं, तो और भाई घूमते हैं देखते हैं। गाइस ये एक और तेंदुआ जिसको हम लोग अधिकतर मूवी में देखे हैं, तुम रियल में देखा है आज के, आज से पहले ये तेंदुआ, तेंदुआ को देखने के लिए काफी भीड़ लगी पड़ी है। ये देखिए भाई, जब बारिश के मौसम में इधर का पानी आने लगता है तो हम लोग गांव तरफ उसको झटास बोला जाता है, और जो हम लोग यहाँ देखने आए हैं इसका नाम खटास है, तो थोड़ा सा अलग है, ये दिखेगा तब ना, खटास नाम के प्राणी, वो देखिए, वो देखिए खटास ऊपर है, वो देखिए आपको देखिए खटास ऊपर। नहीं वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया, कहाँ खटास दिखे, तुमने कहाँ दिख रहा, दिख रहा अभी आपको नहीं दिख रहा ना? अरे नहीं उसको, उसका ब्रेकअप हो गया है, इसके वजह से वो ऊपर है, ऊपर में है, ऊपर में बैठा हुआ है, ये देखिए। अच्छा। सबसे लास्ट में आया कि कुछ अच्छा चीज लास्ट में दिखेगा, लेकिन लास्ट वाले आके बिल्ली देख रहे हैं, लेकिन हमको भी लगता है कि ये गांव वाला बिल्ली नहीं है, कुछ अलग टाइप का बिल्ली होगा, ये जंगली बिल्ली बाबू। अच्छा तभी इसको बंद करके रखा गया है। बच्चे इधर देखो, इधर देखो, तब 2.5 किलोमीटर एक जगह पे हम लोग चले तो आगे लिखा हुआ था आगे जंगल है, हमको तो लगा कि एंड ही नहीं होगा इसका। भाई कैसा लग रहा है आप लोग यहाँ पर आकर? ये देखिए गाइस ये है आपको चीता बिल्ली, तुम देखो ना मारा सोया हुआ है, अरे यहीं पे देखो ना इसको, ये जंगली बिल्ली है, आपका पड़ोसी लोग आए हैं, आपका पड़ोसी ये वो मत समझिए जो जो घर पे दूध पी के निकल जाएगा, लेकिन घर पे दूध नहीं, ये जंगल है, ये दो तीन है, यहाँ भी देखिए जंगली बिल्ली है, देखिए ऊपर चढ़ रही है, देखिए गाइस ये मेल फीमेल के साथ भेदभाव हो रहा है, कहाँ भाई भाई फोकस करो कैमरा मैन, जल्दी फोकस करो, इसको मिल नहीं रहा है, ये देखिए फोकस कर दिया, देखिए गाइस अभी यहाँ ही बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक वहाँ से आ रहा है, मतलब जंगली बिल्ली काफी है, काफी है, एक दो नहीं है। क्या हम आज तक सुने थे कि इंसान का पोस्टमार्टम होता है, लेकिन जानवर का भी पोस्टमार्टम होता है, ये देखिए जानवर पोस्टमार्टम हाउस ये है, इसके अंदर जानवर का भी पोस्टमार्टम होता है, और उधर देखिए सिंह यानी जंगलों का राजा, ये है जंगलों का राजा को देखने जा रहे हैं हम लोग, और और ये है आपका पूरा ओरमांझी जंगल, ये देखिए इस जुनून में जा रहे हैं जैसे शेर को पंजा मार देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि सर मुझे ही पंजा मार दे, और हम आ चुके हैं लायन के कटघरे में, अब देखते हैं लायन किधर है, लायन देखते हैं भाई किधर है आपका,
स्वागत करने उनको स्वागत न कर दे यहाँ पर आगे तो दूर दूर तक दिखा हुआ नहीं है। ओ भाई ये शेर काफी हट्टा कट्टा है ना, एकदम जोर से आवाज करोगे तो कैसे होगा भैया। ये शेर अभी चिल्ला रहा है। ये देखिए आपको साफ साफ लिखा गया है, गिर कूद के उधर चल जाइएगा भैया, कोई जिम्मेवारी नहीं होगा। वो देखिए शेर, देख रहे गुरु शेरनी के ऊपर फोकस कर। तो गाइस आप लोग देख सकते हो भाई, ये है शेरनी। सो हेलो गाइस, यहाँ पे नौका है, यहाँ पे लोग बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सामने कैंटीन है, यहाँ अंदर भी कुछ खा सकते हैं। और यहाँ पे नौका में पानी तो है, पानी है, यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। और उसके अगल बगल आपको हिरन देखने को मिलेंगे। ये सब हम जानवरों के नाम में छठा क्लास में याद करते थे, मतलब पहला दूसरा में जो पढ़ रहे थे तो जानवर के नाम याद करते थे। आज वो सारे जानवर यहाँ पे देखेंगे हम। पीछे भाई लोग हैं, आ रहे हैं, थको मत अभी। ये देखिए, देख रहा है विनोद। ये देखिए वो उधर सोया हुआ है। हम आज तक ये सब जानवर का नाम पढ़े हैं, आज देखेंगे हाइना यानी लकड़बग्घा। हाइना मतलब लकड़बग्घा ही होता है। हाँ हाँ, इंग्लिश याद आ रहा है, स्पेलिंग हम पढ़े हैं उसको, इसीलिए याद पड़ रहा है। ये देखिए हाइना, हाइना इस प्रकार के दिखती है, दिखता है जो भी है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो भाई, ये है हाइना। हम लोग आए हैं अभी इंडियन फॉक्स देखने। इंडियन फॉक्स यहाँ पे है, यहाँ पे, और वहाँ पे भी है। ये जैकल है यानी सियार, जो मेरे गांव में अक्सर बारी में ये सब बोलते हैं रात को। क्या स्लोथ बियर, लेकिन हमको देखने का मन था पोलर्ड बियर। पोलर्ड बियर जो होता है ना, वो देखिए वो है भालू। ये देखिए ब्लैक वाला, देखिए इन लोग आराम से एंजॉय कर रहा है, और लोग देखिए वहाँ भी इन लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो तो पानी में खेल रहे हैं। वो जो दिखाया है वो था आपका देसी भालू था, लेकिन ये जो बियर है ये आपको देखिए है हिमालयन ब्लैक बियर है। आप पास से आप लोग को दिखा रहे हैं, ये दोनों देखिए आराम से खेल रहे हैं पानी में। और देखिए ऊपर देखिए वो अलग ही उठा रहा है आपको, ये मजा आ रहा है। यहाँ पे देखिए हिमालयन का काला भालू है ये, एक उधर भी है। अभी हम जा रहे हैं मगरमच्छ देखने, तो सारा कुछ आप लोग को दिखाएंगे ब्लॉग में, बस बने रहिए। ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग को सारा कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा ये 3-4 किलोमीटर के पूरा एरिया में फैला हुआ है। और ये देखिए उसके बारे में, और हम लोग सारा इधर घूम रहे हैं। मगरमच्छ एक है आपका इस साइड, ये है मगरमच्छ, ये आपका इस साइड है, एक देखिए वहाँ पर सोया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर सोया हुआ है। ये बहुत हेवी दिख रहा है, इसके लिए इसको अकेले रखा गया ना। हाँ देखें तो हम दोनों एक हम लोग आ रहे हैं। देखिए सफ़ेद कृष्ण मृग जो होता है, जो वो लोग मृग को देखने जा रहे हैं जो सफ़ेद रंग का है। चलिए उधर अभी बहुत पता है, ये जो हनुमान जी है, ये जू है, ये लगभग मेरे हिसाब से 3-4 किलोमीटर के एरिया में पूरा फैला हुआ है गोले गोले। और देखते हैं इसके अंदर बहुत सारे जानवर आप लोग को दिखाया जाएगा। तो हम लोग अभी आए हैं साहिल नाम का, ये है देखिए, और इन लोग काफ़ी ज़्यादा भारी क्वांटिटी में है। ये लोग, इन लोग को देख लीजिए, इन लोग कुछ इस प्रकार के दिखता है। ये देखिए इन लोग काफ़ी भारी क्वांटिटी में है, साहिल नाम का है। देखिए जी ये है आपका बिरसा जू का मैप, हाँ मैप है ये, और ये सारा कुछ देखिए। सो गाइस ये देखिए सामने आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ पे काफ़ी दूर में वो लोग सफ़ेद मृग है, और जो कि वीडियो में नहीं दिख रहा है, लेकिन काफ़ी दूर में और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग दिखी है। ऐसे आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो लोग फैला हुआ है, एक दो नहीं बल्कि 7-8 है। अभी हम लोग आए हैं देखने सांभर, और देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इन लोग है, और बहुत ज़्यादा है, एक दो नहीं
बल्कि काफी ज्यादा सांभर है। ये देखिए इतना सारा सांभर, लगभग 20-25 सांभरी लोग है यहाँ पे। ये देख लीजिए, और इन लोगों को चरने के लिए काफी जगह बनाया गया है। हम लोग आए हैं कोटरा नामक जीव को देखने, और ये देखिए वो लोग सामने आपको, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये लोग हैं। ये देखिए काफी ज्यादा ये लोग आराम से हैं, जबकि काफी मासूम हैं, बच्चे हैं। अभी हम लोग आए हैं एलिफेंट को देखने। ये एलिफेंट है, ये खा रहा है, देखिए इस टाइप का। हम लोग आ चुके हैं चीतल नाम के जानवर को देखने, और देखिए ये जानवर लगभग 50 से भी ऊपर है। तो इस आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा चीतल है यहाँ पे, वो हम लोग को ही दिख रहा है। अभी हम लोग आ चुके हैं हिप्पोपोटामस देखने। ये देखिए हम लोग हिप्पोपोटामस देखने आए हैं, जो कि यहीं पे आपको मिल जाएगा शुरू ही। ये है भैया रुको, कहाँ देख रहा है ए? ये देखिए हिप्पोपोटामस, उसका छोटा बच्चा। देखिए यहाँ पे टोस्ट, ये इसमें कछुआ है, छोटा छोटा कछुआ इसमें अभी है, छोटा है, बहुत छोटा है। और इसके अंदर भी होगा तो बड़ा वाला अंदर होगा। हम आ गए हैं घड़ियाल देखने, घड़ियाल को आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए काफी ज्यादा क्वांटिटी में किनारे किनारे पे है। ये देखिए घड़ियाल। तो इस आप लोग देख सकते हो भाई, ये कौन सा जानवर है ना, ये आपका ब्लैक मृग है, ब्लैक कृष्ण मृग। देख रहे भाई उसकी सिंग देखो भाई, वैसे भी मृग आ रहा है ऑलरेडी, मृग के नाम तो मृग आ रहा है। चलो हम लोग जा रहे हैं देखने लंगूर, और आ गए हैं हम लोग लंगूर देखने यहाँ पे। सो गाइस जी, ये आप लोग देख सकते हैं, ये है लंगूर, जो कि आप लोग घर तरफ भी देखते होंगे। और गाइज ये था हम लोग और मांझी जी का लास्ट जानवर, जो कि आप लोग को सारा दिखा दिए। सो गाइज काफ़ी हम लोग थक चुके हैं, एंड जो ये उर्वांझी जू है, यानी भगवान बिरसा जूलॉजिकल पार्क जो है ये, और इसको हम लोग पूरा दिखा चुके हैं गाइज। जितना था, जितना मतलब एक नहीं दो नहीं, लगभग 100 जानवर से अधिक जानवर, पक्षी, अलग अलग तरीके के पक्षी, अलग अलग तरीके के जानवर, जो आप लोगों ने केवल मूवी वगैरह में देखे होंगे, हम लोगों ने भी मूवी में देखे थे, लेकिन आज रियल में देखें। काफ़ी हमको अच्छा लगा यहाँ पर घूमने के लिए। अगर आप लोग यहाँ पर आइएगा तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग को दो जगह टिकट लगेगा, सांप वाला और रियल टिकट जो है वहाँ पे आप लोग को लगेगा। और दूसरा बात कि यहाँ पे आने के बाद सावधानी बरतें, क्योंकि ज़रूरी है, अगर अंदर बहुत ही खुखार जानवर है जिनकी वजह से आपके ऊपर अटैक हो सकता है, तो इसका सावधानी रखें। और गाइज आप लोग को बहुत कुछ यहाँ पे घूमने लायक है, 3-4 किलोमीटर एरिया घूमते घूमते थक गए, पूरा सारा चीज़ आप लोग को दिखाए हैं। एंड गाइज इतना दूर से चल कर आए थे, बारिश वगैरह में भी ब्लॉग शूट किए, तो अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो गाइज एक लाइक तो पक्का कर ही दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सकता है। और आप लोग अगर रांची के आसपास से हैं तो ज़रूर आइए, अगर रांची के आसपास नहीं है, झारखंड से कहीं से भी है, तो आप लोग आइए और यहाँ का आनंद लीजिए, यहाँ का वातावरण का, यहाँ का पेड़ पौधे पक्षी जानवर सभी चीज़ों का। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।